दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले, अगर आप भी दोस्तों अपने ब्लॉगर पर कुछ इस तरीके का एरर फेस कर रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से इस एरर को फिक्स करेंगे, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहा होगा ब्लॉक्ड बाय रोबोट इन टेक्स्ट। अगर आप लोग अपने ब्लॉग को, अपने पोस्ट को रैंक कराना चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसे इशू होते हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना होता है, और अगर आप लोग इस इशू को सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी जो भी पोस्ट होंगी दोस्तों रैंक करेंगी। और यहाँ पर आप लोग फिक्स पेज इंडेक्सिंग इशू, और यहाँ पर एक इशू आ जाता है। तो मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ कि ये इशू किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने ब्लॉगर पर अपना वेबसाइट। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने वेबसाइट ब्लॉगर पर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं अपना डैशबोर्ड में, सिंपली आप लोगों को यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप लोगों को दो सेटिंग को ऑन करना होगा जो पहले से बंद होंगी। तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों ये वाला इनेबल कस्टम रोबोट टेक्स, ये आप लोगों को इनेबल करना है, और कस्टम रोबोट डॉट टेक्स, सिंपली ये दो ऑप्शन आप लोगों को ऑन करना होगा। और यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टेक्स। अगर आप लोगों को ये सारे चीज़ें ऑन करना है तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये दोस्तों एक एसईओ का पार्ट है जो आप लोग अपने ब्लॉगर पर कर लेते हैं तो आपका ब्लॉगर दोस्तों रैंक भी करता है, आपकी पोस्ट भी रैंक करती है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली कुछ इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दोस्तों जो आप लोगों को URL दिख रहा होगा, सिंपली आप लोगों को URL किस तरीके से मिलेगा तो आप लोगों को सिंपली गूगल पर जाना है, आप लोगों को सर्च करना होगा कुछ इस तरीके से। आप लोगों को दिख रहा होगा ब्लॉगर रोबोट्स, सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके से सर्च कर लेना है, पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को अपना URL दोस्तों यहाँ पर डालना होगा। तो मैं अपनी वेबसाइट का URL को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को पेस्ट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर आप लोगों को अपना URL पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर जो भी ये है दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरीके से हटा देना है। उसके बाद आप लोगों को इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरीके का जो है रोबोट टेक्स कुछ इस तरीके से बन चुका है। कॉपी करना है, ऊपर से कॉपी नहीं करना, सिंपली यहाँ से इस तरीके से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद सिंपली इस वाले बटन पर क्लिक करना है और इसे ऑन कर लेना है। जैसे ऑन करोगे आपके सामने सबसे पहले होम का बटन दिखेगा, तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों को इस वाले ऑप्शन को ऑन करना होगा। ये दिख रहा है, सबसे पहले आप लोगों को ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नो DP पे क्लिक करना है, इस दो ऑप्शन को ऑन कर लेना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोगों को दोबारा दिख रहा होगा अचीव एंड सर्च पेज टैग, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। दूसरा वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपली इसे ऑन करना है, और यहाँ पर आप लोगों को नो DP पे क्लिक कर देना है और इसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद सिंपली आप लोगों को थर्ड ऑप्शन पे आना है और पेज एंड पेज टैग, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों को पहला ऑप्शन ऑन करना है और यहाँ पर आप लोगों को नो DP पे क्लिक करके सेव कर देना है। उसके बाद आप लोगों का जो भी गूगल कंसोल में दोस्तों ये एरर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा दोस्तों ये एरर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग भी रोबोट टेक्स को अपने ब्लॉगर में सेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को छोटी सी वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना है। धन्यवाद, बाय।